विधानसभा क्षेत्र से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने चुनाव प्रचार किया। सुबोध उनियाल ने ऋषिकेश ढालवाला 14 बीघा शीशम झाड़ी और आदि क्षेत्र के लिए जनसंपर्क किया है और लोगों से मुलाकात कर अपने लिए वोट भी मांगे हैं। वहीं शीशम झाड़ी क्षेत्र के रहने वाले समाजसेवी अनिल बड़ौला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शीशम झाड़ी पहुंचे और उन्होंने सुबोध उनियाल जी को समर्थन देने और 2022 विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जिताने का वादा किया है। साधु संतों ने भी सुबोध उनियाल के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की है, जहां मुंबई और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा भी ऋषिकेश पहुंचे और लोगों से सुबोध उनियाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। देखिए, नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि सुबोध उनियाल जी उत्तराखंड के आदरणीय कृषि मंत्री तो है ही, लेकिन उनकी निष्ठा नरेंद्र नगर के प्रति कितनी है कि यहाँ के विकास के नए आयाम भी रचे। उसके साथ साथ उत्तराखंड का व्यक्ति चाहे जहाँ रहता होगा, वो नरेंद्र नगर का हो या नरेंद्र नगर के बाहर हो, उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी ऊर्जा को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि मैं बहुत दिनों से उनके संपर्क में हूँ। मैं देखता हूँ कि वो किस तरह से हर व्यक्ति को संपर्क करते हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं और बड़ी ही तत्परता के साथ उसकी सेवा का काम करते हैं। देखो, संत समाज जो है वह समाज के लिए है। इसमें जो है बीजेपी जो है वह अच्छा कार्यक्रम कर रहा है और हमने मोदी जी का बहुत सपोर्ट किया है। 2014 में जो स्वीत हुआ था, पूरा सपोर्ट करके मैंने पूरा जिताया। फिर दूसरे बार इलेक्शन हुआ, फिर भी जिताया। और ये अभी विधानसभा का क्षेत्र चल रहा है, हमें मोदी जी का ही समर्थन करते हैं। और ये सत्ता जो है अभी बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो है भाग ले रहे हैं सुबोध उनियाल। और सुबोध उनियाल जो है यहाँ के अच्छे कर्म काम कर रहे हैं,